और ख़वातीन हज़रात यहाँ पर शामिल करते चलें कराची शहर से अहम तरीन अपडेट, जहाँ पर पानी ने एक बार फिर से कराची शहर में बड़ी तबाही मचा दी है। आपको बताएंगे कराची के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि आज रात कराची में तूफ़ानी बारिश से मुतल्लिक नया अपडेट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद कितनी बारिश की पेशनगोई की है और बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस बारे में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, शामिल होने वालों से गुजारिश भी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ख़वातीन हज़रात, महकमा मौसमियात ने बताया है कि कराची के मुख्त मुकामात पर बारिश का जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते चले यहाँ पर डिफेंस के इलाके की, तो वहाँ पर भी बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा देखी गई है। मुख्त मुकामात पर काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है, 200 मिलीमीटर तक बारिश के हवाले से अपडेट जारी किया गया। सुरजानी टाउन की बात की जाए या फिर बात की जाए गुलिस्तान जौहर की, तो वहाँ पर भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि औरंगी नंबर 4 हो और इसी से मुल्ही का जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। बताया जा रहा है कि कराची के मुतअद्दिद मुकामात ऐसे हैं जो कि पानी में डूब चुके हैं और शहरियों को सफरी मुश्किलात का शदीद सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने आज रात का शदीद तूफ़ानी अलर्ट जारी किया है। कहा है कि कराची में बारिश जो है वक्फे वक्फे से मुसलसल तौर पर जारी रहेगी और इसी के साथ साथ जो आबी निकासी का सिस्टम है वो भी सिंध हुकूमत के मुताबिक तो तैयार है, लेकिन पानी कौन निकालेगा इस हवाले से कोई नहीं जानता। मज़ीद अपडेट से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।